हे hey है्यूटीज कैसे है आप सब लोग तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सिक्स बेसिक सब्जियों की रेसिपी जिसको बनाना ना बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाती है तो फिर स्टार्ट करते हैं एंड हाँ कमेंट करके बताएगा कि इन सब में से आपकी फेवरेट सब्जी की रेसिपी कौन सी थी आज बनाएंगे पांच मिनट में बन जाने वाली टेस्टी टेस्टी आलू मटर की सब्जी तो चलो बनाते हैं तो सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल डालो उसमें डालेंगे जीरा और हींग और फिर उसमें डालेंगे बॉयल पटेटो और मटर फिर अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे मतलब थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेना ठीक है फिर उसमें कुछ मसाले डालेंगे उसमें मसाले में लाल मिर्च नमक धनिया पाउडर थोड़ा सा गर्म मसाला और हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा कुक करेंगे एक मिनट तक ढककर ठीक है फिर उसमें डाल देंगे टमाटर चॉप करके बढ़िया उसको मिक्स करो और एक या दो मिनट लो फ्लेम पर है ना पकाना और फिर ऊपर से कसूरी मैथी और धनिया पत्ती डालकर गार्निश कर देना और मिक्स करना हमारी टेस्टी टेस्टी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है चलो बनाते हैं ढाबा स्टाइल ड्राई सेव टमाटर की सब्जी तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कढ़ाई में ऑयल डालना है तो इसमें डालेंगे हींग जीरा और राई आधी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और दो मीडियम साइज की प्याज काट के उसमें डाल देंगे उसको सौते कर लेंगे फिर तीन मीडियम साइज के टमाटर उसमें काट देंगे अच्छे से उसको भी सौते कर लेंगे फिर उसमें डालेंगे कुछ मसाले जो सारे वीडियो में मैंशन है वो डाल दीजिए अब उसको पकाने के लिए आधा कप पानी डालिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर दोबारा आधा कप पानी डाल के उसको कुक कर लेंगे तीन से चार मिनट अच्छे से वो कुक हो जाए फिर उसमें डालेंगे ब अच्छे से उसको मिक्स करेंगे ध्यान से है ना मिक्स करना वरना सेव टूट जाएंगे और फिर उसमें डालेंगे ऊपर से कसूरी मेथी धनिया और धीरे धीरे मिक्स करेंगे उसको और सेव टमाटर की सब्जी तैयार है तो आज मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो आज काजू मसाला तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल ले लो कुछ खड़े मसाले डाल दो फिर उसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक हरी मिर्ची प्याज और फिर बाद में टमाटो डालेंगे तो सौते करके अच्छे से उनको कुक कर लेना बिल्कुल अच्छी तरीके से जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाता अब इसको निकाल के सारे खड़े मसाले हटा लेना और ठंडा करके ब्लेंड कर लेना और एक साइड में रख लेना फिर उसी कढ़ाई में दोबारा से तेल डालेंगे कुछ खड़े मसाले डालेंगे और प्यूरी डाल देंगे वाली जो हमने बढ़िया बनाई थी टमाटर प्याज की इसकी कुक करना और कुछ बेसिक से मसाले के धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर नमक और हल्दी पाउडर डाल के मिक्स करना थोड़ा सा पानी डाल देना और कुक कर लेना उसको फिर रोस्टेड काजू उसमें डाल देना बढ़िया उसको मिक्स करना फिर ऊपर से डालना गर्म मसाला कसूरी मेथी धनिया और मलाई डाल के बढ़िया मिक्स करना दो से तीन मिनट और बस काजू मसाला बन के तैयार आज बनाएंगे मसालेदार गोभी आलू की सब्जी तो चलो बनाते हैं तो सबसे पहले गोभी लेना उसको अच्छे से छील के धोकर फिर गुनगुना पानी लेना थोड़ा सा उसमें नमक और हल्दी डाल के दस मिनट के लिए गोभी को उसमें डाल देना ठीक है फिर एक कढ़ाई में ऑयल डाल के गोभी आलू और गाजर को अच्छे से फ्राई कर लेना गोल्डन ब्राउन होने तक ठीक है जैसे वो फ्राई हो जाए उनको एक प्लेट में निकाल के ढक कर रख लेना अब दोबारा उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और डाल के कुछ खड़े मसाले डालना और हरी मिर्ची प्याज लहसुन और अदरक डाल के अच्छे से उनको सौते कर लेना नमक हल्दी मिर्ची धनिया और गर्म मसाला डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर लें फिर ऊपर से डालना टमाटो प्यूरी अच्छे से मिक्स करना कुक करना जब तक वो ऐसी नहीं हो जाती ठीक है मतलब तेल नहीं छोड़ने लगे फिर उसमें मटर डालना अच्छे से उसको भी सॉफ्ट होने तक कुक करना फिर उसके बाद जो हमने फ्राई करे थे गोभी आलू गाजर वो डाल के मिक्स कर लें धनिया पत्ती से गार्निश करना और बस हमारी मसालेदार गोभी आलू की सब्जी बन तैयार आज बनाएंगे सेफ टमाटर में साग तो चलो बनाते हैं सबसे पहले क्या करना है कढ़ाई में थोड़ा मतलब सा ऑयल डालना है उसमें डालें जीरा एक तेज पत्ता और प्याज और थोड़े से खड़े मसालों को लेकर बढ़िया उसको पीस लेंगे और उसमें डाल के बढ़िया उसको सौदे कर लें जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती प्याज अच्छे से भूजना फिर उसमें टमाटो पीर डाल के उसको भी अच्छे से भूजेंगे फिर बेसिक मसाले जो मैंने वीडियो मैंशन कर दिए वो डाल के अच्छे से उसको मिक्स करना जब तक वो तेल ना छोड़ने लगे मसाला अब उसमें डालेंगे सो किए काजू का पेस्ट और दूध डालेंगे और जैसे ही दूध डालोगे ना जल्दी जल्दी ऐसा मीडियम फ्लेम पर उसको चलाते रहना वरना दूध फट जाएगा अच्छे से बॉईल कर लेना फिर उसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार अच्छे से मिक्स करके धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे अब एक बोल में उसको निकाल के ऊपर से रतलामी से वो डालेंगे पहले डाल देते ना तो अजीब से वो गिलगिले -गिल, -गिल, गिल हो जाते हैं तो हमेशा ऊपर से डालना चलिए बनाते हैं भिंडी की सब्ज़ी लेकिन सिर्फ पंद्रह मिनट में हाँ बिल्कुल सही सुना आपने पंद्रह मिनट में बनाएंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कढ़ाई लो उसमें ऑयल डालो ऑयल गर्म हो जाए उसमें डालो जीरा हरी मिर्च और चार मीडियम साइज़ की प्याज लंबी लंबी कटी हुई उसको गोल्डन ब्राउन हो जाने दो फिर उसमें डालें कटी हुई भिंडी उसको थोड़ा सा चलाओ मतलब दो से तीन मिनट अब हम उसमें डालेंगे नमक धनिया हल्दी मिर्ची पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे उसको दो से तीन मिनट ढक कर रख देंगे चलाएँगे और फिर उसमें डालेंगे मैगी मसाला और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब उसको पाँच मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ढक्का और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दो से तीन मिनट के लिए और पका लेंगे ठीक है फिर उसमें डालेंगे अमचूर पाउडर उसको मिक्स करेंगे धनिया पत्ती डालकर और बस हमारी भिंडी की सब्जी बन के तैयार प्लेट में निकाल दीजिए खाइए बहुत टेस्टी बनी थी चलो बनाते हैं डिनर के लिए आलू गोभी की सब्जी बहुत सिंपल सी और बहुत टेस्टी तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करना है एक कढ़ाई में ऑयल ले लो और उसमें आलू और गोभी को अच्छे से फ्राई कर लो तो मैंने ना गोभी को पहले ना बॉयल कर लिया था दो से तीन मिनट फिर फ्राई किया है तो आप भी कर लेना फिर उसके बाद जैसे ही वो अच्छे से फ्राई हो जाए फिर उसको एक प्लेट में निकाल के ढक कर रखना ठीक है फिर उसी कढ़ाई में दोबारा तेल डालना खड़े मसाले डालना कुछ हरी मिर्ची डाल के और जो फ्राई करे थे गोभी आलू वो डाल देना अच्छे से उनको मिक्स करना फिर ऊपर से डालेंगे धनिया मिर्ची हल्दी पाउडर नमक और थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के अच्छे से उसको मिक्स करेंगे और कुक होने देंगे पाँच से छः मिनट लो मीडियम फ्लेम पर फिर एक कटा हुआ टमाटा उसमें डालेंगे अच्छे से उसको भी कुक हो जाने देंगे फिर पाँच से छः मिनट उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक कर पकाएंगे और जैसे ही वो पक गया फिर उसमें धनिया डालेंगे कसूरी मेथी डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और बस सब्ज़ी बन की yeah आज बताएंगे टेस्टी टेस्टी भर में बैगन की सब्ज़ी तो क्या करना है ना सबसे पहले छोटे वाले बैगन ले लो उनको बढ़िया धोकर काट लो फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे उसमें डालेंगे मेथी दाना जीरा थोड़ी सी हींग और सौम डाल के उनको चटक जाने देंगे फिर प्लेट में जो भी सारी वेजिज है ना सबका बढ़िया एक पेस्ट बना के कढ़ाई में डाल दो बढ़िया उसको भूनो फिर बेसिक से अपने मसाले के धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर नमक हल्दी और गर्म मसाला डाल के उनको बढ़िया भून लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी जब तक मसाला अच्छे से भूंज नहीं जाता वो तेल ना छोड़ दे फिर जैसे ही मसाला भुन जाएगा सारे बैगनों में मसाला भरेंगे और बढ़िया उसको चला चला के ढककर पका लेंगे ऐसे ही दो तीन बार देखते रहना और बढ़िया पकाना ढककर ठीक है और जैसे वो पक जाए फिर उसमें डालेंगे धनिया पत्ती ऊपर से गार्निश करने के लिए और अच्छे से मिक्स करेंगे और ऐसी जैसी भरमा बैगन की सब्ज़ी उनकी तैयार